तो मेरे भाई बहन, कलयुग के जीव के पास में मैं कह रहा था इतना समय नहीं कि वो मुक्ति के मार्ग को चुन सके, उस मार्ग पर चल सके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सभी ध्यान पूर्वक सुने, ये जो भागवत है ये हमें क्या देती है? ऐसा तो नहीं है सात दिन ऐसे भजनों में निकल जाएं और पता चले कुछ भी ठनठन पाल और मदन गोपाल और ये लाल और वो लाल हो जाए, सातवें दिन कुछ नहीं हाथ लगे, ऐसा तो नहीं है? कदाचित ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं भागवत में, दरिद्रस्य क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनवत्यो मोक्ष कामाम श्रणो याच्य कथाम्यमाम। दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा धनवान हो जाएगा, निसंतान जीव कथा सुनेगा तो वो संतान को प्राप्त होवेगा, रोगी व्यक्ति कथा को सुनेगा तो निरोगी काया को प्राप्त होवेगा। और एक बात, कई लोग ऐसे हैं जिनमें सब कुछ है, संतान भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, यश भी है, काम भी है, सब कुछ है, और जब जिनके पास सब कुछ है उनको भागवत क्या देगा? उनको कुछ देगा कि नहीं? जिनको दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए उनको भागवत क्या देती है? जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए ऐसे लोगों को भागवत ज्यादा देता है। ऐसे लोगों को क्या देता है? बोले जीवन का मकसद देता है, जीवन का उद्देश्य जो है हमारा। परमात्मा ने किसके लिए भेजा हमको? दोबारा बोल, जोर से बोलिए, मुक्ति पाने के लिए ना। और जो मुक्ति इतने जन्मों में नहीं हुई, इतने जन्मों से जो मुक्ति पाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, वही मुक्ति मात्र अनपथ्यो मोक्ष कामाम श्रणो याच्य कथाम्यमाम। अगर व्यक्ति सात दिन मन क्रम वचन से एक स्थान पर बैठकर प्रभु की भागवत को सात दिन मन क्रम वचन से श्रवण कर ले तो जो इतने जन्मों से नहीं मिला है वही मात्र सात दिन में हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मिल जाता है। क्या बात है, अभी तो देर भी नहीं हुई, जोर से बोलना पड़ेगा भाई, राधे। मात्र सात दिन में जो इतने जन्मों से नहीं मिला वो सात दिन सुनने से मिल जाएगा, यकीन मानिए सात दिन में मिलेगा। अगर तुम संसार की कोई कामना करोगे तो तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी, और संसार की कामना नहीं करोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारा संसार का बार बार आना गमन सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं कटक निवासियों से निवेदन करूंगा, इतना जीवन हमारा व्यर्थ चला गया, आज मुक्ति प्राप्त करने का एक सुंदर सुअवसर है, आज का दिन निकल ही जा रहा है, बचे हुए छह दिन और मेरे ठाकुर को दे दीजिए। और आज संसार कोई वस्तु चाहे मांगना या मत मांगना, अगर मुक्ति करानी है तो संसार की कोई वस्तु मत मांगना, और अगर संसार कोई वस्तु चाहिए तो जो मांगना है मांग ले, अभी मांग ले, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। ये भागवत कल्प वृक्ष है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इस भागवत के नीचे बैठने का मतलब है कि हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा, हमारे मन में कल्पना होगी संकल्प पूरा होगा। और एक बात, संकल्प की पूर्ति परमात्मा, अच्छे संकल्प की पूर्ति स्वयं मेरे प्रभु करते हैं, हमें नहीं करना पड़ता और ना ही हम पर हो सकता है। अच्छे संकल्प की पूर्ति मेरा ठाकुर अपने आप करता है। आप संकल्प करिए, मेरा ठाकुर आपके सारे संकल्प पूरे कर देगा।